हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल परमा फ्रॉस्ट वाईटी फ्रॉम उर्गम वैली। एंड टुडे इज 8th of July 2022 एंड वी हैव अ वेरी फाइन वेदर टुडे एज द सन इज शाइनिंग ब्राइट राइट अबव आवर हेड्स एंड वी आर प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक दैट वी विल हैव अ गुड चार्ज ऑन आवर फोन्स एंड आवर रैंडम डिवाइसेस लाइक पावर बैंक एंड स्पीकर्स टू लिसन टू गुड म्यूजिक। So I have already done my breakfast. I prepared some aloo ki sabji and some wheat chapati along with a cup of milk. And then today is also our washing day. So we'll wash our clothes. So we have set up the bucket near the water source and we'll fill the water and make sure that we clean few clothes of ours because it's a good sunny day and it will help us to dry them as well. तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल परमा फ्रॉस्ट वाईटी में। आज दिन बहुत ही शुभ है और 8 जुलाई है। दिन में आज खूब बढ़िया धूप आ रही है। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। नाश्ता पानी हमने कर लिया है तो आज चूंकि अच्छी धूप है और आसमान काफी साफ है तो हमने इसे डिक्लेयर किया है धुलाई दिवस। तो धुलाई दिवस का मतलब है कुछ कपड़े वपड़े धोएंगे, चद्दर तकिए बनियान ये वो हला फला ढिमका और अपने आप को दुरुस्त करेंगे। तो ठीक है, बाकी शाम को मैं आपको मिलता हूँ। लेकिन शाम को मिलने से पहले एक बार मैं आपको भरकी दिखा दूँ। तो दिन के बज रहे हैं 11:30 और 11:30 बजे ही मौसम हो गया है पैक। 11 बजे तक बढ़िया धूप थी तो थोड़ा बहुत मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया है और थोड़ा बहुत होता रहेगा जब तक बारिश नहीं पड़ती। थोड़ा मैंने मौसम विभाग की जानकारी चेक की तो 2 बजे से बारिश बोल रहा है आज, और रोज ही बारिश दिखा रहा है पर बारिश होती नहीं है। बारिश शाम को ही होती है जब अंधेरा हो जाता है। और ये पीछे रागा के पेड़, चलो वो छोड़ो। तो आज हम बना रहे हैं फिर से कढ़ी चावल, क्योंकि कढ़ी चावल है अपनी स्टेपल डाइट उसे बोलते हैं जो कि जिसे सबसे ज़्यादा आदमी खाता है या उगाता है। और ये लगा लो कि 7 दिन में 21 बार 20 बार भी खा सकते हैं हम कढ़ी, हमें कोई परेशानी नहीं होती। तो कढ़ी मैंने अभी बनानी शुरू नहीं की है, अभी बना रहा हूँ मैं चावल। और बड़ी मुश्किल से आग लगी है, कुछ परेशानी आ गई थी। और ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आज मैंने पहनी है लुंगी डांस। तो ये प्रॉपर लुंगी नहीं है, ये एक शॉल है लेकिन मैंने इसको लुंगी बना के पहना हुआ है क्योंकि आनंद इसी में। तो अभी मैंने लुंगी ऊपर होल्ड की हुई है, इसको नीचे खोल दूंगा तो ये धोती बन जाएगी। तो जैसे पहाड़ में, अब यहाँ अकेले रह रहा हूँ मैं जंगल में, तो लुंगी जैसा आनंद नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता आप नीचे शहरों में लुंगी बुंगी पहनते नहीं पहनते, साउथ में तो लोग बहुत पहनते हैं। और जब मैंने अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था तो मैं शेफ बनना चाहता था। तो होटल मैनेजमेंट का 3 साल का कोर्स देहरादून से ख़त्म करने के बाद मैं 6 महीने के लिए आइस कार्विंग और फ्रूट कार्विंग सीखने के लिए चेन्नई गया था। तो वहाँ मेरे दोस्त बने थे बहुत सारे तमिल दोस्त, तो उन्होंने मुझे लुंगी पहननी सिखाई थी। तो तब से मुझे लुंगी मतलब आसान होती है लुंगी पहननी और बढ़िया हवा लगती है आगे से, एकदम खुला खुला माहौल होता है और ना कोई परेशानी होती है। तो अगर आपके वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और आप गर्मी से परेशान हैं तो आप भी कभी लुंगी ट्राई कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत हो गया ज्ञान और मैं बनाता हूँ अपने पकवान। तो शाम के बज गए हैं 4 और अब हमारा टाइम हो गया है खेत में काम करने का। तो जैसे कि आपको पता ही है मैं 2-3 दिन से वो राई की क्यारी बना रहा हूँ। कोई नॉर्मल गांव वाला होता तो एक ही दिन में, मतलब एक दिन में तो नहीं, मतलब 3 दिन में बना देता, क्योंकि एक दिन वो खोदता, दूसरे दिन उसमें गोबर मिलाता, तीसरे दिन बीज। मेरे पास गोबर तो है नहीं पर यह है कि थोड़ा बहुत गोबर मैं यहाँ वहाँ से उठा लेता हूँ, क्योंकि गाय आती रहती हैं आसपास तो गाय जितना भी मलबा करती है तो थोड़ा बहुत गोबर। तो पहुँच गए हम अपनी क्यारी पे, ये है हमारी क्यारी, कल भी हमने इसकी खुदाई की थी, आज फिर एक बार और खोदेंगे 3री बार और कल मैं इसमें बीज डालूँगा। तो मैं करता हूँ काम शुरू, तब तक आप लीजिए एक ब्रेक।
तो मौसम बिल्कुल वैसा ही है घाटी में जैसा रोज होता है, बादल लग जाते हैं शाम तक, माउंटेन वेदर, और धूप चली जाती है उस पार। और ये देखिए, तो मैंने क्यारी तैयार कर दी है यहाँ तक, और काफ़ी लंबी क्यारी है, मतलब इसमें अगर मैं मटर और राई एक साथ भी लगाऊंगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। थोड़ा सा थक गया हूँ तो आराम करता हूँ, और आप तब तक देखिए सोना शिखर के ग्लेशियरों का इलाका। तो राई के बीज हम बो चुके हैं, अब ये मैं लाया हूँ मटर के बीज, तो अब हम मटर बोएंगे यहाँ पर। तो एक कोने कोने वाली क्यारियों में मैंने राई बो दी है, और ये मैंने छोटी तीन क्यारियाँ बनाई हैं मटर के लिए। तो मटर लगाएंगे यहाँ, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, थोड़ा दूर हो गई, थोड़ा और पास करते हैं, 10 लगाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 10 यहाँ भी लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और 10 इसके बाद वाली में भी, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आ गई हैं, कोई नहीं ज़्यादा डाल देते हैं। और भी बीज है हमारे पास, तो इधर डालते हैं कोनों में, देखते हैं कुछ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और कुछ इधर डाल देते हैं इस वाले कोने में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं यहाँ बीच में। ये लीजिए, अब इन पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी वो कर देते हैं, मिट्टी भर देते हैं इनमें, ठीक है। तो इसको मिट्टी से भरने के लिए हाथ से ही चलानी पड़ेगी मिट्टी, जैसे गोले से इनको थोड़ा थोड़ा दबा दिया। यहाँ क्यारियाँ कुछ गहरी बनी है, तो पत्थर छांट दिए, पत्थर जितने कम होंगे उतना बढ़िया होगा, और बाकी क्यारी को बराबर कर दिया। तो यहाँ पर केंचुए भी निकलते हैं बड़ी आसानी से, मिट्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, ब्लैक हिमालयन हिमालयन हिल सॉइल बोलते हैं इसे, ब्लैक सॉइल, बहुत ही उपजाऊ होती है। और ये पत्थर है, ये देखिए कांटा चुभ गया मुझे, तो ये सब परेशानियां आती हैं, पर ये घास घूस साइड कर दो, बस यहाँ हो गया, बस इनको भी ढक दो, ये कुछ बाहर निकल गई बीज, कोई बात नहीं, हमने एक्स्ट्रा सीले डाले ताकि अगर कुछ छूट भी जाए तो। इसको अंदर कर दो जो बाहर आ रहा है, बस इसको भी अंदर कर दो, इसको यहाँ डाल दो, बस फालतू की घास हटा दो। तो बस यही होता है गार्डनिंग में। चलो ठीक है, अभी मैं इसे बंद करता हूँ, बहुत लंबा हो गया सेशन। जिन लोगों ने नहीं देखे, ये हैं राई के बीज, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे, तो इनको मैंने पहले बो दिया था, और मटर आपके सामने मैंने बोए 3.5 मिनट लगा के, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी तो। बाकी घाटी में मौसम वैसे का वैसा ही है, बादल जैसे के तैसे, रात को बरसेंगे नहीं बरसेंगे इनकी मर्ज़ी। इस बार मानसून ढंग से आया ही नहीं है घाटी में,
जैसा होता है कि हिमालय में मोटी बारिश पड़ती है, वैसी मोटी बारिश अब तक पड़ी नहीं है, सिर्फ एक परसों की रात छोड़ के, परसों की रात थोड़ा तेज पड़ी थी, अभी तक बारिश अच्छी वाली हिमालयन बारिश ड्यू है। तो अभी मैंने सुना परसों के कसौल में बादल फटा, और कसौल में बहुत सारी कैंपिंग साइट्स थी जो पार्वती नदी के बिल्कुल साथ में थी, तो वहाँ बहुत भयंकर पानी आया रात को, और एक न्यूज़ चैनल की कटिंग में 8 लोग फियर डेड कह रहे थे, और कह रहे हैं कि कई लोग बह गए, तो बहुत ही बुरा हुआ। पहाड़ में अक्सर ऐसा होता है कि बरसात के मौसम में आपको नदी के किनारे नहीं रहना चाहिए, या फिर अगर नदी के किनारे हैं तो वहाँ पर नदी का जो चौड़ा होने का वो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो कि है नहीं पार्वती नदी के साथ केस। और पार्वती नदी बहुत टाइट होके बहती है और बहुत तेज़ी से बहती है, और उसमें फ्लड आया तो फिर उसमें बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो हम भी ऐसी घाटी में रहते हैं जहाँ ग्लेशियरों से नदी आती है, लेकिन नदी बहुत नीचे है और गांव पूरा ऊपर वाली टेकड़ी में बसा है, और मैं तो ऊपर के भी ऊपर बसा हूँ, तो नदी नदी का खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बारिशों से जीवन अस्त व्यस्त ज़रूर होता है पहाड़ों पर। तो जब भी बारिशें बुरिशें लगी हैं तो थोड़ा देखें आप कहाँ बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी शामत को दावत दे रहे हैं, और पैसा कमाने के चक्कर में लोग ये भी भूल जाते हैं कि ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। और तो मेरी गुजारिश है उन सब लोगों से, अगर हिमाचल में या पार्वती घाटी में, यहाँ से मैं भी रिसेंटली आया हूँ, कोई मेरा वीडियो देख रहा है, तो नदी के किनारों को मजबूत करें अपने, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं नदी के किनारे, और कैंपिंग कूपिंग थोड़ा नदी से हटके करें, और इससे क्या होगा नदी में कचरा भी नहीं पड़ता ज़्यादा, और आपका जीवन भी सुरक्षित रहता है। या फिर सीजनल कैंपिंग करें जिस समय बरसात नहीं होती। तो ठीक है भाई लोगों, आज का ज्ञान बहुत है, मटर और राई हमने उगाई, आप भी मेरे साथ जुड़े रहे और आगे बने रहे मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लग रहा है जंगल से कोई आवाज़ दे रहा है, कोई आ रहा है, तो मैं उनके साथ ज़रा गप वगैरह मारता हूँ। चलो सायोनारा।